अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी लाइनिंग और जॉइनिंग का। इसके लिए ये मैंने तैयार किया हुआ है बैक, फ्रंट और फ्लैप का हिस्सा और साइड्स के हिस्से और इसका ये हैंडल। ये लॉक है और ये साइड के डीरिंग है। इनके साइज़ के हिसाब से मैंने फैब्रिक को कट करके उसके साथ फ्यूजिंग पेस्ट कर दी है। ये फ्रंट पॉकेट है और एक और ज़िपर पॉकेट है और जो साइड्स के पैचेस हैं उसके साथ भी लाइनिंग के लिए जो पैचेस इस्तेमाल होंगे उसको भी फ्यूजिंग पेस्ट कर दी है। सबसे पहले हमने जिप फ्रंट पॉकेट को ये पिन अप कर दिया है और ये इसके तीन साइड पे सिलाई लगाएंगे स्टिचिंग होगी और ये ज़िपर पॉकेट भी स्टिचेस करके मैं आपको बताऊंगी। ये फ्रंट पॉकेट की तीन साइड पे स्टिचिंग हो गई है, ये देखें। अब ये ज़िपर पॉकेट के लिए फ्लैप और बैक साइड्स के दरमियान ज़िपर पॉकेट की स्टिचिंग की है और दो हाफ इंच के गैप में स्टिचिंग की है और ये वीडियो के मुताबिक आप देखें और फिर किसी दिन इसकी डिटेल वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी ज़िपर पॉकेट। इसको दरमियान से कट करके किनारों से बिल्कुल कॉर्नर से नीटली कट करेंगे ताकि इसको जब हम बैक साइड पे ले जाएं और इसका फ्रंट सामने हो तो वो नीटली इसके कॉर्नर्स बन जाएं। इसको बैक साइड पे ले जाएंगे और फिर इसको नीटली आयरन करके इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से इसके कॉर्नर बना लेंगे। इसको नीटली प्रेस कर लिया, अब हम ज़िप लगा के और इसके चारों साइड्स पे स्टिचिंग करेंगे। ये स्टिचिंग कर लिए हमने, अब इसके बैक साइड पे इसके जो एक्स्ट्रा ज़िप हैं उनको कट करके इसको तीन साइड से स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, हमने नीटली इसकी स्टिचिंग कर ली तीन साइड पे और एक्स्ट्रा अगर कोई फैब्रिक हो तो उसको कट कर लेंगे और ये हमारा ज़िपर पॉकेट तैयार है फ्लैप और बैक के दरमियान। अब पर्स और लाइनिंग को एक साथ अटैच करके नीटली इसकी स्टिचिंग करेंगे, हैंड स्टिचिंग तुरपाई करेंगे, इसे बहुत बारीक सी तुरपाई के स्टिचिंग नज़र ना आए। लाइनिंग के बाद हम अगला मरहला जॉइनिंग का है, जो हम इस तरह करेंगे कि इसके जो दोनों पर्स और साइड पॉकेट्स के हमने बॉर्डर जो बनाए थे सिंगल क्रोशिया के, उनको आपस में सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच लेंगे। एससी के साथ स्लिप स्टिच के ज़रिए जॉइन करेंगे और इसी तरह आखिरी सिरे तक साइड पैचेस को जॉइन कर लेंगे। बहुत आसान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आएगा आप लोगों के।
इसके कॉर्नर पे पहुंचकर इनके थ्रेड को जो बच जाता है उसे अच्छी तरह सिक्योर करें। दोनों साइड्स इसी तरह ज्वाइन करके फिर हमने लॉक लगा दिया और हैंडल को अटैच कर दिया। और ये हमारा पर्स तैयार है, क्लच पर्स। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।